हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं और कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है या प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है वो देखते हैं। अभी अपन ने पढ़ा था कंजम्पशन फंक्शन क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम, वो कंजम्पशन फंक्शन है। एज द इनकम राइजेस प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ऑल्सो राइजेस बट लेस देन द इंक्रीज इन इनकम। मतलब जब इनकम बढ़ेगी तब प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मतलब कंजम्पशन भी बढ़ेगा, लेकिन उतना नहीं बढ़ेगा जितनी इनकम बढ़ रही है। समझ में आया? प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम रिफर्स टू द शेड्यूल विच शोज द लेवल ऑफ कंजम्पशन इनकम एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम्स। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है, एक ऐसी शेड्यूल है जो डिफरेंट लेवल ऑफ कंजम्पशन बताती है डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पर। अपन शेड्यूल देखते हैं, ये एक शेड्यूल है जो डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पर डिफरेंट लेवल ऑफ कंजम्पशन शो कर रही है। मतलब क्या, जब इनकम लेवल जीरो थी तो कंजम्पशन 50 था, जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे कंजम्पशन भी बढ़ रहा है। एक लेवल पे इनकम और कंजम्पशन दोनों सेम है, उसके बाद इनकम ज़्यादा बढ़ रही है कंजम्पशन से। मतलब यहाँ पे 50 का इनकम बढ़ा तो यहाँ पे सिर्फ 25 का कंजम्पशन बढ़ा, इस पॉइंट पे सेम हो गया। अब यहाँ से 100 इनकम बढ़ रही है तो भी सिर्फ 50 ही कंजम्पशन बढ़ रहा है, यहाँ पे अगेन 100 इनकम बढ़ रही है तो सिर्फ 50 कंजम्पशन बढ़ रहा है। समझ में आया? तो एक पॉइंट के बाद कंजम्पशन इनकम के साथ बढ़ेगा तो सही, लेकिन कम बढ़ेगा। डायग्राम भी देख लेते हैं। कंजम्पशन कर्व हमेशा वाई एक्सिस के किसी पॉइंट से चालू होगा और वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है, तो ये कंजम्पशन कर्व है और ये इनकम कर्व है। इनकम कर्व 45 डिग्री पर बनता है, मतलब किसी भी पॉइंट पे कंजम्पशन और इनकम सेम ही होगी इनकम कर्व के। क्लियर है? इनकम सब जब जीरो थी तब कंजम्पशन हमेशा कुछ ना कुछ तो रहता ही है, कंजम्पशन कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। फिर जैसे जैसे इनकम बढ़ रहा है वैसे वैसे कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे कंजम्पशन और इनकम सेम हो जाएगी, जैसे यहाँ पे 100 और 100 हो गई है। अब उसके बाद इनकम जिस लेवल पे बढ़ रही है उतने ही लेवल पे कंजम्पशन नहीं बढ़ेगा, इंक्रीज तो होगा लेकिन सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज नहीं होगा। क्लियर है? अब ये जो OY कर्व है, मतलब जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, मतलब जो इनकम कर्व है, उसको 45 डिग्री लाइन भी बोलते हैं क्योंकि वो दोनों एक्सिस से इक्विडिस्टेंस होता है। क्लियर है? अब ये जो ई पॉइंट है वो ब्रेक इवन पॉइंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंजम्पशन और इनकम बराबर है, तो जिस भी पॉइंट पे कंजम्पशन और इनकम बराबर होगी वो ब्रेक इवन पॉइंट होगा। क्लियर है? इस ई पॉइंट पे ये जो इनकम कर्व है और ये जो कंजम्पशन कर्व है वो दोनों इंटरसेक्ट कर रही है, इसलिए ये ई पॉइंट ब्रेक इवन पॉइंट है। अब इस ब्रेक इवन पॉइंट के लेफ्ट में, मतलब नीचे की साइड, कंजम्पशन ज्यादा इनकम से क्लियरली विजिबल है और इस ब्रेक इवन पॉइंट के राइट साइड में इनकम ज्यादा है कंजम्पशन से, ये भी विजिबल है। समझ में आ गया? अब प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दो टाइप की है, एक तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और दूसरा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मतलब APC, वो क्या होता है, रेशियो बिटवीन टोटल कंजम्पशन एंड टोटल इनकम एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम इज नोन एज APC। मतलब जो टोटल कंजम्पशन है, मतलब टोटल एक्सपेंडिचर है, उसका रेशियो टोटल इनकम से, वो जो रेशियो है वो APC है। APC इक्वल टू C/Y, कंजम्पशन अपॉन इनकम। तो ये जो कंजम्पशन और इनकम के बीच का रेशियो है वो APC है। APC निकालना सीख लेते हैं एक बार। अपन को इनकम और कंजम्पशन दिया हुआ होगा तो अपन को डायरेक्ट C/Y फॉर्मूला लगाना है। सी मतलब कंजम्पशन, वाई मतलब इनकम। 50/0 इन्फिनिटी होता है क्योंकि डिनोमिनेटर में जब भी जीरो आता है तो उसका आंसर इन्फिनिटी हो जाता है। अब 50 लेवल इनकम पे कंजम्पशन 75 है तो APC क्या हो जाएगा, 75/50 मतलब 1.5। इस पॉइंट पे दोनों सेम है इसलिए APC 1 हो जाएगा। फिर जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे कंजम्पशन भी बढ़ता जाएगा और वैसे ही वैसे APC कम होता जाएगा। APC के फीचर्स क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट पे APC जो है वो 1 के बराबर होता है। ब्रेक इवन पॉइंट अभी अपन ने देखा जहाँ पे कंजम्पशन और इनकम सेम होते हैं, मतलब सी और वाई बराबर होते हैं। तो APC का फॉर्मूला क्या होता है, C/Y। अगर सी और वाई सेम है तो वो दोनों कट के 1 हो जाएंगे, इसलिए ब्रेक इवन पॉइंट पे APC 1 होता है। ब्रेक इवन पॉइंट के लेफ्ट साइड में APC हमेशा 1 से ज्यादा होगा। अभी अपन ने देखा ये ब्रेक इवन पॉइंट है, मतलब ये बी पॉइंट पे ब्रेक इवन पॉइंट है। अब इस पॉइंट से लेफ्ट साइड में हमेशा APC ग्रेटर देन 1 होगा। लेफ्ट साइड में कौन सा, ये वाला कॉम्बिनेशन आ रहा होगा, यहाँ पे APC 1 से बड़ा है। इस पॉइंट पे भी देखें तो APC 1 से बड़ा है। और ब्रेक इवन पॉइंट के राइट साइड में हमेशा APC 1 से छोटा होगा। इस पॉइंट पे ब्रेक इवन पॉइंट है, इससे राइट में ये वाले कॉम्बिनेशन आएंगे तो यहाँ पे सब जगह APC हमेशा 1 से छोटा होगा। तो ब्रेक इवन पॉइंट के राइट पे APC हमेशा 1 से छोटा होगा क्योंकि कंजम्पशन इनकम से कम होता है। क्लियर है?
एपीसी फॉल विथ इंक्रीज इन इनकम, इनकम जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे एपीसी कम होगी, तो मतलब इन दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप है। दिस इज बिकॉज प्रोपोर्शनेट ऑफ इनकम स्पेंड ऑन द कंजम्पशन कीप्स फॉलिंग, मतलब जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे सेविंग्स भी बढ़ती जाती है, और सेविंग्स अगर बढ़ेगी तो कंजम्पशन कम होता जाएगा, मतलब कंजम्पशन बढ़ता तो रहेगा लेकिन कम रेट से बढ़ेगा, और अगर कंजम्पशन कम रेट से बढ़ेगा तो एपीसी फॉल होता रहेगा। एपीसी कैन नेवर बी जीरो, दिस इज बिकॉज कंजम्पशन कैन नेवर बी जीरो, एपीसी कभी भी जीरो नहीं होगा क्योंकि कंजम्पशन कभी भी जीरो नहीं होता है, और फॉर्मूला क्या होता है, कंजम्पशन अपॉन इनकम। अब कंजम्पशन कभी जीरो नहीं होगा तो एपीसी भी कभी जीरो नहीं हो पाएगा, क्लियर है। अब दूसरा टाइप क्या था, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एमपीसी। एमपीसी क्या है, रेशियो बिटवीन चेंज इन कंजम्पशन एंड चेंज इन इनकम, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम, वो क्या होता है एमपीसी। कंजम्पशन और इनकम का रेशियो एपीसी होता है, और चेंज इन कंजम्पशन और चेंज इन इनकम का रेशियो एमपीसी होता है, क्लियर है। अब एमपीसी के भी फीचर देख लेते हैं, एमपीसी हमेशा जीरो से वन के बीच में ही होगा। अगर पूरी एडिशनल इनकम खर्च कर दी, मतलब चेंज इन कंजम्पशन चेंज इन इनकम के बराबर हो जाए तो एमपीसी वन होगा, क्योंकि एमपीसी का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम, अगर ये दोनों सेम होंगे तो ये दोनों कट जाएंगे तो एमपीसी वन हो जाएगा। अगर पूरी एडिशनल इनकम सेव कर ली, कंजम्पशन कुछ भी नहीं किया, तो एमपीसी जीरो हो जाएगा। मतलब क्या है, अगर पूरी इनकम सेव कर ली तो चेंज इन कंजम्पशन जीरो होगा, और अगर ऊपर न्यूमरेटर में जीरो आ गया तो एमपीसी पूरा जीरो हो जाएगा। एपीसी ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इज मोर देन एमपीसी ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्री का जो एमपीसी होता है वो डेवलप्ड कंट्री से ज्यादा होता है, क्योंकि जो डेवलपिंग कंट्रीज होती है वो बेसिक नीड्स पे ज्यादा खर्चा करती है, क्लियर है। और पुअर का एमपीसी रिच के एमपीसी से ज्यादा होगा, क्योंकि पुअर पर्सन जो है वो बेसिक नीड्स पे ज्यादा खर्चा करते हैं, समझ में आ गया। अब सेविंग फंक्शन क्या होता है, मतलब प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होता है, अभी तक अपन ने प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पढ़ा, अब अपन प्रोपेंसिटी टू सेव देख रहे हैं। सेविंग फंक्शन रिफर टू द रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम, कंजम्पशन फंक्शन क्या था, मतलब प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या था, रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। तो सेविंग फंक्शन मतलब प्रोपेंसिटी टू सेव क्या हो जाएगा, रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम, मतलब एस इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई। सेविंग इज एक्सेस ऑफ इनकम ओवर द कंजम्पशन ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, एक साल के अंदर जितना भी इनकम में से कंजम्पशन माइनस करेंगे तो वो सेविंग आएगा, इनकम माइनस कंजम्पशन इक्वल टू सेविंग। प्रोपेंसिटी टू सेव रिफर टू द शेड्यूल विच शोज डिफरेंट लेवल ऑफ सेविंग एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी, समझ में आ गया। एक ऐसी शेड्यूल जो डिफरेंट लेवल ऑफ सेविंग डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पे शो करेगी वो प्रोपेंसिटी टू सेव है। शेड्यूल देख लेते हैं एक बार, प्रोपेंसिटी टू सेव की इनकम जीरो है, कंजम्पशन 50 है, तो सेविंग इनकम माइनस कंजम्पशन होता है, मतलब 0 माइनस 50 माइनस 50, जब इनकम 50 हुई तो कंजम्पशन 75 हुआ, तो सेविंग माइनस 25 हुई। जैसे जैसे इनकम बढ़ती रही वैसे वैसे कंजम्पशन भी बढ़ा, और वैसे वैसे सेविंग्स भी बढ़ती रही। अब अभी अपन ने पढ़ा था, ये इनकम कर्व है, ये कंजम्पशन कर्व है, अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, मतलब ये जो शेडेड पार्ट है वो सेविंग्स है। अब जो सेविंग कर्व है वो नेगेटिव वाई एक्सिस, मतलब यहाँ से चालू होगा और वो ऐसा जाएगा, ये वाला यहाँ पे सेविंग कर्व है, ये कितना नीचे होगा, जितना ये सी ऊपर होगा उतना ही ये एस नीचे होगा, क्योंकि जीरो लेवल इनकम पे जितना कंजम्पशन होगा उतना ही नेगेटिव सेविंग्स होगी, तो उस पॉइंट से चालू होगा। अब इनकम और सेविंग के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप होती है, इसलिए ये अपवर्ड स्लोपिंग होगा, तो ये सेविंग कर्व ऐसा होगा, समझ में आ गया। अब सेविंग सबसे पहले नेगेटिव होती है, जिस पॉइंट पे कंजम्पशन और इनकम सेम हो जाते हैं, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट पे सेविंग जीरो हो जाती है, और फिर जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे सेविंग भी बढ़ती जाएगी, क्लियर है। ब्रेक इवन पॉइंट पे सेविंग जीरो होती है, ब्रेक इवन पॉइंट के लेफ्ट में सेविंग नेगेटिव होती है, क्यों, क्योंकि कंजम्पशन इनकम से ज्यादा होता है, और ब्रेक इवन पॉइंट के राइट में सेविंग्स पॉजिटिव होती है, क्यों, क्योंकि इनकम कंजम्पशन से ज्यादा होती है, समझ में आ गया। अब अगेन दो टाइप की प्रोपेंसिटी टू सेव है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव क्या है, रेशियो बिटवीन टोटल सेविंग्स एंड टोटल इनकम ऑफ द इकोनॉमी, मतलब सेविंग्स अपॉन इनकम जो होगा वो एपीएस होगा। ये एग्जांपल देखते हैं, जब इनकम जीरो है तब कंजम्पशन 50 है तो सेविंग्स माइनस 50 होगी। अब अपन को निकालना क्या है, एपीएस, एपीएस का फॉर्मूला क्या है, सेविंग्स अपॉन इनकम, सेविंग्स माइनस 50 है, इनकम जीरो है, अब डिनोमिनेटर में जीरो है मतलब आंसर इन्फिनिटी हो जाएगा, तो एपीएस इन्फिनिटी से चालू होता है, क्लियर है, नेगेटिव इन्फिनिटी से। अब इनकम बढ़ रही है तो सेविंग्स भी बढ़ रही है,
लेकिन सेविंग्स अभी भी नेगेटिव है, ब्रेक इवन पॉइंट पे सेविंग्स जीरो होती है, तो एपीएस भी जीरो हो जाएगा। फिर ब्रेक इवन पॉइंट के बाद जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे सेविंग भी बढ़ेगी, और वैसे ही वैसे एपीएस भी बढ़ता जाएगा। मतलब प्रॉपर्टीज क्या हो गई एपीएस की, सबसे पहले वो जीरो लेवल इनकम पे इन्फिनिटी होता है, ब्रेक इवन पॉइंट पे एपीएस जीरो होता है, ब्रेक इवन पॉइंट के लेफ्ट में एपीएस नेगेटिव होता है। ये ब्रेक इवन पॉइंट है बी, उसके लेफ्ट में यहाँ पे एपीएस नेगेटिव है, और इस ब्रेक इवन पॉइंट के राइट में यहाँ पे एपीएस पॉजिटिव हो रहा है और इंक्रीजिंग हो रहा है। क्लियर है? क्या क्या प्रॉपर्टीज है? एपीएस कैन बी जीरो, जब कंजम्पशन और इनकम बराबर होगी तो एपीएस जीरो होगा। एपीएस कभी भी वन नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि कभी भी इनकम के बराबर सेविंग्स नहीं हो सकती, क्योंकि कंजम्पशन कभी भी जीरो नहीं हो सकता, कंजम्पशन कुछ ना कुछ हमेशा रहेगा ही, तो इनकम और सेविंग्स कभी भी बराबर नहीं हो सकती है, तो एपीएस भी कभी वन नहीं हो पाएगा। एपीसी वन से भी ज्यादा भी नहीं हो सकता, क्योंकि इनकम से ज्यादा कभी भी सेविंग्स नहीं हो सकती है, इसलिए एपीएस वन से भी ज्यादा कभी नहीं हो सकता, और एपीएस राइजेस विद द राइज इन इनकम, ये इसकी प्रॉपर्टीज थी। क्लियर है? अब आगे अपन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव देखते हैं। एमपीएस, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग रिजल्टिंग फ्रॉम द चेंज इन इनकम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या है? चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम, मतलब चेंज इन सेविंग और चेंज इन इनकम का रेशियो। एमपीएस इक्वल टू चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम। इसकी भी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। एमपीएस वेराइज बिटवीन 0 to 1, ये भी 0 to 1 के बीच में ही होगा। जब एडिशनल इनकम कंज्यूम हो जाएगी पूरी, मतलब जब चेंज इन सेविंग जीरो होगा तो एमपीएस भी जीरो होगा, जब चेंज इन सेविंग और चेंज इन इनकम बराबर होगा तो एमपीएस वन होगा, और एमपीएस जो है वो कभी भी वन से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि चेंज इन सेविंग चेंज इन इनकम से कभी भी बड़ी नहीं हो पाएगी। क्लियर है? एक बार वापस देख लेते हैं। कंजम्पशन फंक्शन क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। और प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है? ऐसा शेड्यूल जो डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पे डिफरेंट लेवल ऑफ कंजम्पशन बताए। दो टाइप के प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, एक तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और दूसरा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है? रेशियो बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है? रेशियो बिटवीन चेंज इन कंजम्पशन एंड चेंज इन इनकम। क्लियर है? और सेविंग फंक्शन क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम। और प्रोपेंसिटी टू सेव क्या है? ऐसी शेड्यूल जो डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पे डिफरेंट लेवल ऑफ सेविंग बताए। दो टाइप की प्रोपेंसिटी टू सेव पढ़ा था अपन ने, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव और दूसरा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव क्या है? रेशियो बिटवीन टोटल सेविंग्स एंड टोटल इनकम। और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या है? रेशियो बिटवीन चेंज इन सेविंग एंड चेंज इन इनकम। समझ में आ गया? हम नेक्स्ट लेक्चर में अपन और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। थैंक यू।